अच्छा हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज एक नए दिन की शुरुआत हो गई है पहाड़ों में, और हमारे साथ है हर्षित, कैमरामैन हर्षित, रिपोर्टिंग कल्पना। सो आज हम आए हैं एक बहुत ही खास एडवेंचर करने के लिए, ठीक है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि पहाड़ में जो महिलाएं होती हैं वो गौ माता का दूध कैसे निकालती हैं। कितने कितने नेक शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ मैं। सो आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भाभी गौ माता का दूध निकालेंगी और कितना निकालेंगी। और उसके बाद आज हम एक और इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। मैं डायरेक्ट दूध पीऊंगी सीधे गौ माता से। तो मेरे को शायद बहुत पहले बचपन में कभी पिया होगा मैंने ऐसे ना डायरेक्ट, तो मुझे टेस्ट बिल्कुल याद नहीं है। सो आई वॉन्ट टू टेस्ट दी रॉ मिल्क कैसा होता है। हाँ, सो कैमरे में हर्षित है। हर्षित, क्या आप मेरा ये फुटेज बनाने के लिए एक्साइटेड हैं? नहीं। हाँ, तो ये देखिए, चलो लेट्स स्टार्ट। सो ये देखिए, भाभी हेलो कर दीजिए दर्शकों को। ये और ये हमारी ठुल बोजी, और ये देखिए ऐसे गाय का। और आपको एक मस्त चीज बताती हूँ गाइस, जब दूध निकालते हैं ना तो गाय के पास उसका बच्चा रखना पड़ता है। रीजन कि एक वो सिंपथी एम्पथी और एक वो रहता है, मतलब गाय ना फिर गाय तब दूध निकालने देती है मारती वारती नहीं, क्योंकि उसको पास रखो। तो ये देखो, तो इसलिए दोनों को पास रखा गया है और ऐसे दूध निकालते हैं। सी क्या बात है। और ये भी गाय आपको लग रहा होगा देखने से कि बहुत ईजी है ये, लेकिन मैंने ट्राई किया था, नहीं निकाल पाते हैं, मतलब दूध नहीं आ पाता है। ऐसे भाभी कर रही है, ये इसका भी एक टेक्निक है मतलब। तो आइए हर्षित, सो हम टेस्ट करेंगे गाय का पीछे आ रही। मेरा आना चाहिए सामने से लेना, एक दूध निकलते लेना और फिर सामने चले जाना। प्रीति को मत देना, ऐसे पी रही है, नहीं आएगा ना इधर को। कैसे आऊं बताओ, यहाँ पर आओ। हाँ, आ जाती हूँ, लात आएगी मेरे मुँह में। एक और सबसे पहले तो दूध गर्म था, जो कि मेरे को नहीं पता था, ठीक है। बिल्कुल जो ल्यूक वार्म नहीं होता है वो आ रहा था, और ये देखिए, ठीक है। और उसका टेस्ट पता कैसा आ रहा था, ऑलमोस्ट जो ये इस दूध को ले जाते हैं फिर गर्म करते पकाते ना, वही वाला टेस्ट था। ये कुछ तो अलग था, मैं बता नहीं सकती क्या अलग था, लेकिन ये था। यही तो कैसा लगा आपको मेरा ये? इससे तो शायद वनीला आइसक्रीम भी बनती होगी। हाँ, इससे बनती है। मजा आ गया रजत, तू पिएगा? नहीं। सो अभी आपने देखा कि कैसे मैंने डायरेक्ट गौ माता कैसे डायरेक्ट गौ माता ने मुझे दूध पिलाया। तो आपको पता है गाँव की ना यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, गाँव पहाड़ों की, कि आपको हर चीज़ बहुत नेचुरल मिलती है। अब देखिए ना, ऑब्वियसली हमारे भी वहाँ दूध होते हैं, मतलब दूध के पैकेज वगैरह सब ठीक है, लेकिन फिर भी पहाड़ में और जहाँ जहाँ गाय पाली जाती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत प्योर रॉ फॉर्म पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली हेल्दी है, उनके शरीर के लिए अच्छा है। तो ये मुझे पहाड़ों की ना बहुत अच्छी बात लगती है कि आपको हर चीज़ शुद्ध मिलती है, यू नो, और विदाउट केमिकल, या जो उसका फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी चीज़ का, कोई प्रोसेस्ड नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। सब्जियाँ भी बढ़िया तरीके से, तो ये है, बाकी अच्छा है यार। और आपको पता है मैंने बहुत पहले बचपन में ये चीज़ करी थी, डायरेक्ट दूध पिलाना, हम बचपन में बहुत करते थे ये चीज़, ठीक है, अच्छा लगता है मतलब। तो पहाड़ों में ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए, और गाइज वो जो आपको दिख रहा है ये वाला गुच्छा, ये है हिसोई, ठीक है। एक तो खड़े होने में डर भी लग रहा है, बीच में बाघ छुपा हुआ ऐसे सीधे अटैक करेगा फिर भाग लो कल। तो ये जो पेड़ है ना, ये उसका है, हिसोई का पेड़ है, ठीक है। तो ये मेरा ना फेवरेट फ्रूट है यार, मतलब एक पहाड़ी फल होता है ये, ऐसे उगता है जंगलों में, इतना टेस्टी होता है ना, ऑरेंज कलर का होता है ये। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों के गांव और आप लोग की जगह में इसको क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ बोलते हैं हिसोई। हाँ, अच्छा घर को, हाँ बाय, जा रहा है क्या? रुको, आ रही हूँ। सो हाँ, हमारे सो ये जो फल होते हैं इनको हमारे यहाँ बोला जाता है हिसोई, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आपके वहाँ क्या बोलते हैं इसको, ठीक है।
एक हिसोली भी पता है मेरे को, लेकिन उसके अलावा नहीं पता। तो ये मेरे लिटरली फेवरेट फ्रूट्स है गाइज। और मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बरुको ये देखिए ये है। हाँ इसमें हल्के हल्के दिख रहे हैं आपको ऐसे, अभी आए नहीं है बेसिकली, गर्मी में आते ही। तो ये मेरे फेवरेट फ्रूट्स है। और यहाँ पे देखिए कूड़ा जलाया जा रहा है। और ये रहा मेरे घर का रास्ता, वाह। और भाभी ने दूध निकाल दिया है। और आज जो हमारे पड़ोसी हैं वो जा रहे हैं वापस हल्द्वानी को। उनका घर भी देखो कितना अच्छा है, यहाँ से अंदर जाके फिर ये ऊपर जाने का रास्ता। हेलो। और ये हमारी नन बोजी के करण सा तुम। तो ये जो पहाड़ों में हर चीज़ का ये होता है ना बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, और ये बिल्कुल शुद्ध खाने का, इसका भी मज़ा अलग होता है। जैसे स्पेशली फ्रूट्स, फ्रूट्स आप सीधे फल ये पेड़ में जाओ तोड़ो खाओ, है ना, कोई भी चीज़ है सब्जी तोड़ो खाओ, दूध गाय से निकाला पियो, तो मतलब इस चीज़ का ना अलग ही मज़ा होता है। ठीक है, जिन जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं किया उनको पक्का करना चाहिए, कहीं वेकेशंस में जाओ, ऐसे गांव शहरों गांव वगैरह में जाओ जहाँ ऐसा होता हो, क्योंकि वो चीज़ आज शहर में तो मिलती नहीं और मिल भी नहीं सकती है। ठीक है, कितना भी बोल लो भैया ये ताज़ा है डायरेक्ट है ये है विदाउट केमिकल है, वो आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो ये है, बाकी नहीं है, मज़ा आता है सीरियसली। और एक और चीज़ जो हमारे पहाड़ों में फल होते हैं ना, मेरे दी मोस्ट फेवरेट है, जैसे पोलम, आड़ू, आलू बुखारे, हिसोई, काफल, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मतलब मैं इनको रोज़ खा सकती हूँ। हाँ माल्टा मैं भूल गई, माल्टा मुझे संतरों से ज़्यादा माल्टा पसंद है। ठीक है, तो अभी तो नहीं, बाद में जब अगली सर्दियों में अगर जिस जिसके गांव में माल्टा लगेंगे तो मैं आपको अपने हल्द्वानी का एड्रेस भेज दूँगी, तो आप मेरे लिए ना माल्टा भी भेज दीजिएगा अगर मुझे पसंद करेंगे। तब तक भी एक साल तक मैं वैलिड रही आप लोगों के लिए, रिलेटेबल रही, तो प्लीज़ मेरे लिए माल्टा ज़रूर भेजिएगा। आई जस्ट लव माल्टा, मतलब मैं एक साथ 10 माल्टा खा सकती हूँ, मैं सुबह दिन रात शाम कभी भी माल्टा खा सकती हूँ। हाय ईजा, का सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और हाँ, और मैं सोच रही कि जब तक मैं पहाड़ में थी मैं पहाड़ी बोलूँ, तो चारों अम्मा लोग जा रहे हो? हाँ हाँ जा रहे हैं, मिलते हैं उनसे, मिलके जाएंगे ऊपर से चले जाएंगे। अरे अच्छा, मिलके आती हूँ मैं। तो आज हमारे पड़ोसी लोग जा भी रहे हैं, सो लेट्स गो एंड मीट देम एंड ग्रीट देम। ओ अम्मा, ओ अम्मा कहाँ से हो? सो ये देखिए ये है इनका घर, और ये लोग हो गए तैयार जाने के लिए, बैग्स पैक हो गए हैं, सो लेट्स गो। अरे देखिए इनके में भी ऐसे दरोड़ है जैसे हमारे में है, वहां से नीचे आओ, यहाँ नीचे मंदिर, और यहाँ से ऊपर एक और रूम, वहाँ किचन। ये दिशु मस्कुलर हंक तुम लोग, ये अम्मा चली जाएगी यहाँ से ऊपर? अच्छा मैं नहीं चल पाती यार यहाँ से। अरे देखिए कितना अच्छा घर है इनका, यहाँ पे पहले पोलम का पेड़ होता था यार, एक बहुत अच्छा, काट दिया गया। बुआ मेले कुरकुरा ला रही है, मैं तुमको नहीं दूंगी। और ये देखो, और ये महक कितनी सुंदर लग रही है इस ड्रेस में। बाय बाय। मैं आपके लिए जैकेट किसने बनाई? बुआ ने बनाई ना? नहीं मम्मी ने। हाँ दीदी ने, मम्मी कितनी नहीं कहते हैं ताई जी, कहाँ जाऊँ, चलो चलो अच्छी लग रही। सो मैं अभी हो गई हूँ तैयार जाने के लिए, पार बखाई, पता नहीं वो पार है कि धार है, मुझे तो पता है कि हम गैर में रहते हैं। सो अभी आज वहाँ पे होली है, होली के गीत चल रहे हैं, मतलब होली तो ख़त्म हो गई कल, लेकिन पहाड़ों में क्या होता है कि एकादशी से होली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, ओ माय गॉड दिस इज सो ब्यूटीफुल गाइस, सी ब्लू बर्ड, ओ नाइस, कितनी प्यारी है ना गाइस, ये देखो ओ, कितनी प्यारी थी, पहाड़ों में आप देख रहे हो लिटरली ऐसा सुंदर, मतलब मैंने पहली बार लाइफ में ब्लू बर्ड देख रही हूँ मैं ऐसे, और वो भी बहुत प्यारा ब्लू था, स्काई ब्लू। तो पहाड़ों में आपको ना ऐसे कलरफुल बर्ड्स देखने को मिल जाती हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। वाह ये देखिए, ये हमारा बाखली, पहाड़ी बाखली, इतनी बड़ी, क्या बात है। अरे यार कुत्ता ना आए बस नीचे।
काम। और हमारे मंदिर के सामने का व्यू, ये सबको लाइन से पहला। हाँ काम कर रही थी, काम काम। तो ये देखिए, ये हमारे गोलू थान का मंदिर। ये अमेरी इधर नृत्य करेगी, क्या बात है। और ये देखिए हमारे मंदिर के सामने का व्यू, ओ गॉड। और ये मंदिर हमारा, क्या बात है। और ये हमारे मित्र का घर है, क्या बढ़िया जगह पे है इसका घर, छत से तो पूरा एकदम बढ़िया व्यू है।